सोशल नेटवर्क पे मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया था, तो एक बार मैंने एक ऐप डाउनलोड किया एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो उसमें मैंने बात किया, अच्छा लगा, मैच हुआ। बात करते करते एक हफ्ते बाद ही इज लाइक कि आई वांट टू मीट यू एंड आई वाज लाइक कि नहीं ये क्या हो गया, मतलब मिलना पड़ेगा, मिलना इज कंपल्सरी है। लेकिन ही इज लाइक कि नहीं मिलना ज़रूरी है, मिलना पड़ता है, ये डेटिंग है तो ऐसा करना पड़ता है। लाइक कि नहीं नहीं वो वियर्ड था, उसके लिए भी वियर्ड था और मेरे लिए भी, क्योंकि उसके बाद में बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी। ही इज़ लाइक तुम्हें ये कौन से मूड स्विंग हो रहे हैं, मतलब अभी दो दिन पहले तुम बहुत अच्छे से बात कर रही थी, अब तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। मैंने बोला मुझे नहीं पता था कि मिलना इज़ कंपल्सरी। एक जो फ़नी इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी वो था कि जब मैं उस लड़के के साथ डेट पे गई तो वो आई थिंक स्टार्ट टू एंड सिर्फ अपने बारे में ही बताते जा रहा था कि मैं ऐसा करता हूँ, मेरा स्केड्यूल ऐसा है, मैं जिम जाता हूँ, मैं फिर ये करता हूँ। मतलब वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, बस वो अपना ही अपना बताते जा रहा था। तो वो मेरे लिए एक पॉइंट पे बहुत फनी हो गया और फिर आई थिंक दैट वुड वॉज द वेरी फनी थिंग। तो मेरी एक बंदे से बात हो रही थी डेटिंग ऐप पे और सो वी डिसाइडेड टू मीट, काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। तो आई वॉज लाइक ठीक है लेट्स मीट, लेट्स कैच अप। तो व्हेन आई वेंट टू मीट हिम वेयर मेरे को पता चला कि मतलब ऐसी बातों बातों में उसने एक बंदी का नाम लिया कि वो भी एक बंदी से ऐसी बात कर रहा था। तो मुझे लगा कि नाम शायद मुझे सुना सुना सा लग रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि यार मेरे को एक फ़ोटो, मेरे को फ़ोटोज़ दिखाओ जिसके आप बात कर रहे हो। सो आई केम टू नो कि वी वर डेटिंग, मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड डेटिंग सेम गाय, मतलब हम नॉट काइंड ऑफ अ डेट बट हम सेम ही इंसान से बात कर रहे थे डेट करने के लिए। एक बार मैं एक बंदे से मिली थी, थोड़ी देर ही स्पेंड करने के बाद ही स्टार्टेड आस्किंग मी टू बी हिज गर्लफ्रेंड। मतलब इतनी जल्दी कौन करता है ना, और कंटिन्यूसली ही गॉट डाउन ऑन हिज नीज पहले ही दिन पे। मतलब ऐसे डेटिंग साइट से कौन एक्सपेक्ट करता है ना। ही वॉज वेरी वियर्ड, वेरी स्केर्ड। आई नेवर वेंट ऑन डेट, मैं कभी डेट पे गई नहीं हूँ, बट आई कैन से कि मैंने मतलब बातचीत करी है, बट आई फील नॉट बेटर, वाइब्स मैच नहीं हुई, तो फिर मैंने डेट मतलब आगे फर्दर नहीं करी। मैं एक लड़का से बात कर रही थी और अचानक वो आके एक दिन बोला था कि हे यू नो लाइक आई एम सीइंग समवन एल्स बट इफ़ यू वुड स्टिल लाइक टू मीट मी दैट्स कूल बट यू नो लाइक वी कैन ओनली बी फ्रेंड्स आई नीड यू टू नो दैट। मैं एक डेट पर गया था और वो जो डेट थी वो मेरी एक्स की म्यूचुअल फ्रेंड थी, तो उसके बारे में उसकी कॉन्वर्सेशन पॉपअप होगी एंड वो सारी डेट मेरी एक्स के अराउंड ही घूमती रही, तो वो फिर मेरे लिए बड़ा बिजार एक्सपीरियंस है। मैं मतलब उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। भाई इंडिया में डेटिंग इज नथिंग लेस देन अ मिशन, लेकिन क्या होगा अगर इस मिशन के लिए आपको मिले आपके मम्मी पापा की परमिशन। भाई आ गया है हमारा कमाल का नया शो जिसका नाम है डेट बाजी, वहां पर आपके मम्मी पापा को होना पड़ेगा राजी। तो देखिए हमारा नया शो अमेजॉन मिनी टीवी जो है अमेजॉन शॉपिंग ऐप पे बिल्कुल फ्री, बड़ा प्यारा सा आइकन है अमेजॉन मिनी टीवी का, क्लिक करो।